एथिपे गोटे लोकर जीवन भी चली जाए जदि जड़े लोक टेस्ट कराई गोटे अथराइज गोटे जगार टेस्ट कराई तो द्वितीय टाइम तृतीय टाइम सेम टेस्ट करवा कि दरकार ना नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज लाइट फिट्र आउ गोटे नुआ ब्लग को मुझ सुदीप्त आप समस्त स्वागत करुच्ची। आज ब्लग विषय आपण मैंने समस्त थंबनेल जापर थे कि आज ब्लग टी कौ रिलेटेड मोर पूजनीय बड़ बापा एक्सपायर करगले। मो बड़ बापा और बड़ माँ से मैंने डेली रुहत तो ये समस्त जिनस डेली रू स्टार्ट होता सका सतटा बड़ बापा अफिस सैकेलटा को सबदिन भाई दुआर मुहर रखिकी पचक फेरिक आसुले जो स्टेयर केस थिला से स्टेयर केस रे तांकर गोड़ आइदर स्लिप हो जाऊ ना मुंड बुले दू से मुह बल पड़ी मुह बल पड़ जा फ्रंट हेड रईब्रो उपरे बहुत जोर से आघात आसला आउ मुंड फाटी जाता फाटवा सहित ब्लीडिंग बहुत बेसी हो जाता दीटा आखि ब्लड क्लट हो बहुत जोर से फुली जाता दिल्ली सफदरजंग हस्पिटाल एडमिट करागला आ फेस कंडीशन एमती थिला कि हॉस्पिटल वाला कहले कि यहाँ हूँ गोटे पुलिस केस जेहेतु से कहले यहाँ गोटे पुलिस केस तो केस फाइल करने कहले आग आउ ना एडमिशन मिलना कहले बहुत प्रकार जुगाड़ जंत्र लगे कि एडमिशन करागला एडमिशन करागला टू डेज तुम ऑब्जर्वेशन रखागला ऑब्जर्वेशन रखा डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट जी थे सी मेडिसिन लिखिले सी कहले कि भल हो मेडिसिन खातु आपण मान भल हो तापरे घर को डिस्चार्ज हो आसिले दिदिन परे भलो थिले 5-7 डेज रे थरे थरे ब्लीडिंग होतला प्रॉपर केयर रे रखिया पई बड़ा अपांगर पुओ तांको निजे पाखू नहीं आसिले कोलकाता खर्च बहन पई ईएसआई हॉस्पिटल रीएम्बर्समेंट बहुत जरूरी थिला भाई तांको कोलकाता नहीं आसिला परे कोलकाता रे कंसल्ट करागला कोलकाता डॉक्टर मानंकर मानविकता एते अभाव बारंबार सेम टेस्ट कहवा को बाध्य करवा रोगी प्रॉब्लम विषय डिटेलिंग देले इरीटेट हो चेम्बर बाहरी जावाक निर्देश देवा एभली बहुत प्रकार हैरान से कले एभली बहुत हैरान हरकत शिकार होगा पड़ा तापर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट से मिलला ना एत से हैरान कले आम ट्रीटमेंट बहुत डिले है धीरे धीरे यही भाई भाव में वन मंथ बीतीगला आन मंथ भितर बारंबार गोटे 8-10 डेज रो गैप रे सब ब्लीडिंग होता है आपण विश्वास करें 8-10 दिन में थरे थरे लिटर लिटर ब्लीडिंग हवा तांकु धीरे धीरे दुर्बल कर पकता है कोलकाता निराश हो भाई फेरला बालेश्वर बड़ मेडिकल ट्रीटमेंट करेले बट से कौन सी भी डॉक्टर तांकर एग्जाक्ट ब्लीडिंग रो रीजन जापारे ना 17 जुलाई रविवार सका 7:00 बाथरूम गले डेली नित्यक्रम सारे बड़ बापा नित्यकर्म सरला बाथरूम कवाटा बंद करते बाहर को आसने चेषा करते लगे कि नाक भितरटा पानी जमा हो जाऊँगी बाथरूम कवाटा खोल पुओ को बाबुली बोली कही डाक पकईले ब्लीडिंग बंद करने नाकटा को चिपी रखा भी असंभा पार्टीपटू धारधार ब्लड बही चल थाए भाई से अनफर्चुनेटली बजार जाइए आउ भाउज हुरी पकेवाणीना दोकानी सब दौड़ आसते हेले से बहुत डेरी हो जोर रे गोटे निश्वास नहीं बड़ बापा निस्तेज शरीरटा भरी पड़ता भाज पल्स चेक करले पाख दोकानी बीपी चेक करला मन बुझेपी पाख हॉस्पिटल को नहीं जाइए कि बड़ बापा नथिले सब सरी जाइए मुझे भुवनेश्वर थी से स्टूडियो क्लास नौ थाए बापा कल आसला जेहेतु क्लास नौ थी तो बापा क्लास सरिया बापा कल मुझे काटिदेली पुणी बापा कॉल कले कॉलटा रिसीव कली सेपटू मते कथा शुणा नाला बापा बहुत जोर सोर से भाव भाव कानुले तो मु कौन है कौन नहीं कि बुझीपार नी बहुत समय कांदा पर बहुत समय पर बापा कही कि बड़ बापा नाप इमिडियेटली मो घर फोन कली वाइफ को कहले तुम रेडी जाओ आम समस्ते गाँव को जी बड़ बापा नापर आम सब बाहर की आसलु आम पखापाखी से 10 पखापाखी घरे आस पहुँचलु बड़ बापा बड़ पु मुंबई में थे मामा जी बड़ माँ सी दिल्ली में थे तो बड़ माँ आउ भाई बड़ भाई से फ्लाइट करके आसिले भुवनेश्वर से गाँव को गाड़ी करके आसिले तो पहुँचु पहुँचु राति 1:30 बाजिला 1:30 जाके आम अपेक्षा करूँ तापर
ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସାରିଲୁ। लंबा शरीर को तोफागरा रंग सांग को सबुबले हसमेजाजिया चेहरा व्यक्तित्व को उच्चकोटीर स्थान दे था। एही महान व्यक्तित्व जनकर हातरंधा व्यंजन सबुठु नियारा बोली जिए तांकर आतिथ्य पाइचंती से माने सबुबले कहंती। खाली एतिके नुहे आज्ञा, एही मनीष जनक अविस्मरणीय भावर परोपकारी जो माने उपकृत होइचंती से माने वर्णना करिथांती। साई पड़ीसा रिलेटिव्स एमती बहुत जन को दिल्ली में नहीं कि कर्म निजुक्ति करवा दिगरे हस्तक्षेप अतुलनीय। बड़बापा मत बहुत थर डेली डाकी आसे बुलिकी जीव कि मोर एत सौभाग्य कौटी एत जल्दी से आमको छाड़ी चली जी भाविक आश्चर्य लगुच। ये किसी दिन आगु भिड कल कथी मत लगे बोधे भगवान भल लोक मान बेस दिन रखुदे ना कहीं जो मोह माय संसार ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଯେତେଦିନ ଥିବେ ସେତେଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ବୁଲି ବିକି ଥିବେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି ନିଅନ୍ତି ତାପରେ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଉପରେ ଥାଇ ଆମକୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଲକାତାରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏତେ ହଇରାଣ ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଭାଉଜ ବି ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରେ ସିଏ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବେ, ଡକ୍ଟର ଚିଡ଼ି ହେଇକିନା ମନା କରିଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଇପାରେ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଛି, ଗୋଟେ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଛି, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇମ୍ ତୃତୀୟ ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରେଇବା, ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼େଇବା ହସ୍ପିଟାଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ବଳ ନଥାଏ କି ବାରମ୍ବାର ଜଣେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣମାନେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଫାଇନାଲି କହିବା କଥା ହେଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ଯାଇକି ଫ୍ରଡ଼୍ରେ ପଶିବା କି ବାରମ୍ବାର ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା, ଦଲାଲଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା, ହଇରାଣ ହେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରପର୍ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମ ଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନ ପଡ଼ୁ। ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।